दिवाकर, कुछ भी कहो, शंकरनाथ बहुत समझदार मालूम पड़ता है। तुम्हें कैसे मालूम? तुमने तो उसे देखा तक नहीं। देखे भी नहीं, मैं समझ सकता हूँ। इस जंगल में भी सेलफोन नेटवर्क का इतना बढ़िया इंतजाम है, ये बस उसी के भूते की बात है। इसीलिए तो वो समझदार है। हमारे जैसे गोड के व्यापारी यहाँ आते जाते रहते, इसीलिए उनकी सुविधा के लिए सेलफोन नेटवर्क का इंतजाम तो होना ही चाहिए ना। सिर्फ सेलफोन नेटवर्क का इंतजाम है या सब चीज का इंतजाम है? और भी कुछ वहाँ पे इंतजाम है क्या? इस देश में गोल्ड बिजनेस करने के लिए जगह की कमी है क्या? उसकी फैक्ट्री का नाम क्या है? सुनार किला। गुड मॉर्निंग टू ऑल, आई एम शंकरनाथ। थैंक यू फॉर कमिंग टू सोनार किला। आप लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। साउथ इंडिया में फेमस एक बहुत बड़ी कंपनी है, राव एंड सन्स कंपनी में मैं अकाउंटेंट था। अपनी उस नौकरी को छोड़कर मैं सोनार किला में फैक्ट्री डालने के पीछे दो खास कारण हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन, पूरी जिंदगी भर राव एंड सन्स कंपनी में अकाउंटेंट के रूप में काम करना मंजूर नहीं था। नंबर टू, गोल्ड के इस व्यापार को बाजार भाव के अनुसार उलट फेर करना हर साल मंजूर नहीं था। मैं आप लोगों से इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों से सहायता चाहता हूं, इसलिए मीटिंग के लिए बुलाया है। What can I do for you? हमारी बिजनेस मेंटेलिटी, हमें तो सिर्फ मुनाफे से मतलब है। राव से हमें कोई शिकायत नहीं हुई, उसने हमें बिजनेस में इतने सालों में कभी धोखा नहीं दिया। राव से तुम हमें क्या बेहतर दे सकते हो? मैं प्योर गोल्ड दूंगा। वो तो राव भी देता है। नहीं, वो 916 पॉइंट का मिलावट किया हुआ गोल्ड देता है। तो क्या हुआ, यहाँ पर तो सारे होलसेलर डीलर मिलावट करके ही तो बेचते हैं। बट आई एम डिफरेंट, मैं आपको प्योर गोल्ड, ओरिजिनल पवन मार्क पीआर गोल्ड। आपको पता होगा पीआर गोल्ड से खरा सोना दुनिया में कहीं नहीं मिलता। हमारी तरह व्यापार करने वालों के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। रास्ते में सेल्स टैक्स चेक पोस्ट, मोबाइल स्क्वाड और हाईवे डकैती, तुम्हारी फैक्ट्री से हीरे जवाहरात हमारी दुकानों तक सही सलामत पहुँच जाना मुश्किल है। वो रिस्क मैं ले लूं तो? फैक्ट्री से तैयार माल अगर आपकी दुकान में मैं पहुंचा दूं तो? कैसे? देखिए, ये आदमी पहुंचा देगा। मोटरसाइकिल चलाने में इंडिया में नंबर वन है ये। रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को ये धूल में उड़ा देता है। नाम है जॉनसन, जॉनसन रॉबर्ट। मैं आपका माल इसके जरिए पहुंचा दिया करूंगा। पुलिस और सेल्स टैक्स को चकमा देगा ये बाइक रेसर। वेरी गुड, ये तो बहुत बढ़िया है। अब तुम जवाहरात के सैंपल दिखा दो। यहाँ इस हॉल में प्योर गोल्ड के जेवरात में आपको यहाँ दिखाऊंगा। मैं अपने जेवरात दिखाने लायक सही जगह पे दिखाऊंगा, अच्छी चीज अच्छी जगह पे दिखाऊंगा।
पड़ी जैसे अंग में शोला दहका। नैन अधर पंख उड़ी कमल सोना श्रृंगार से तन चमका, सूरज की चमक से तन उजला, तन उजला कुछ ऐसे दमका। चंचल चितवन मदमस्त यवन अंगम की तरह ये अंग महका। कमर हर एक एक अंग सोने से सजा, मन में कुछ ऐसी प्यास जगी आंखों का सितारा झूमा। घन घोर घटा बल खाई पवन सोने की तरह जो बदन चमका। चंचल चितवन मदमस्त यवन चंदन की तरह ये अंग महका। नैन अधर पंखुड़ी कमल सोला श्रृंगार से तन चमका, सूरज की चमक से तन उजला, तन उजला कुछ ऐसे दमका। रॉबर्ट हियर, बोलो बोलो। हेलो, वो क्या टेल मी। हाँ okay, I will be there. Hey, come on guys, we go for real hunting. Come on, quick, fast. Thank you.
लेने के लिए मुझे जरा भी टाइम नहीं लगता, लेकिन इस इब्राहिम के हाथों मरना तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा। इधर ला बैग दे। खा खा के
सांड जैसे मोटे हो चुके हो तुम लोग, फिर भी किसी काम के नहीं। राव का गोल्ड चुराने वाला ये नया आदमी कहां से पैदा हो गया बताओ मुझे। सर लगता है कि वो शंकरनाथ का आदमी है। ए, उसके आदमी को तो हमने मार डाला था ना, हमें एक दूसरे की चाल समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। वाकई में सच क्या है ये जानना है। ये मुंबई लॉबी का प्लान हो सकता है। तुम एक काम करो, वो कौन है जरा ठीक से पता लगाओ। मैं अब्राहम, हवलदार अब्राहम रॉबर्ट। हवलदार? मिलिट्री वाले हो क्या? नहीं, पहले था लेकिन अब रिजाइन कर दिया है। मुझे 3,000 रुपए की पगार मिलती थी, महीने में 3 बार XXX मिल जाया करती थी, मैं खुश था पर अब मैं आपकी सोनार किले की सेवा करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत होगी तो अगर इजाजत ना भी हुई तो इस तरह की छोटी मोटी सेवा की उम्मीद कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर लिया करूंगा। बेफिक्र रहिए, जरा भी तकलीफ नहीं दूंगा। आपकी सेवा करने मुझे बहुत खुशी होगी और मैं करूंगा। मेरी मुसीबत में तुमने जो सहायता की मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि राज क्या है, तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए? एक तरह से देखा जाए तो तुमने बुलाया है। तुम्हारे ग्रुप का वो कैरियर बॉय जो मर गया, बाइक रेसर जॉनसन, मैं उसका भाई हूं। मेरे भाई के उस इंसिडेंट में आपको कुछ नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई के लिए मिलिट्री कैंप में मुझे आपने नोटिस भेजा। उस नोटिस का मुंह तोड़ जवाब देता तो मुझे भी आपसे दुश्मनी मोल लेनी पड़ती। जो हुआ सो हुआ, पर वो रिश्ता मैं आपसे नहीं बिगाड़ना चाहता था। अगर मैं भी ऐसा करता तो हम में क्या फर्क रह जाता? आई एम रियली सॉरी मिस्टर अब्राहम, केस बनाने के लिए नोटिस भेजना जरूरी होता है, इसके सिवाय उसकी कोई जरूरत नहीं है। कैंप ऑफिस में मुझे जब बुलाकर हाथ में नोटिस पकड़ाया गया तो मेरे तो होश ही उड़ गए। एक तो भाई की मौत के गम से उभर नहीं पाया था, तुम्हारी भेजी नोटिस के नुकसान की भरपाई नहीं की तो जेल जाना पड़ेगा। आखिर तुमने नोटिस क्यों भेजी? लॉयर की नोटिस का कोई मायने नहीं होता, लगता है तुम्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। 10वीं पास करने के बाद 16 साल की उम्र में मैंने मिलिट्री ज्वाइन कर लिया, इसलिए मुझे दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता। वो बीती बातें भूल जाओ अब्राहम, जॉन से जितना सोना नुकसान हुआ उससे ज्यादा कहीं लाकर तुमने दिया। अगर सही हिसाब करें तो मुझे तुमको कुछ देना होगा दोस्त। ऐसी कोई बात नहीं, असल हिसाब बराबर करना है तो मेरे भाई को मारने वाले उस राव ग्रुप को जड़ से खत्म करना होगा। मैं अकेला हर बार वन मैन शो नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरी वजह से आपको जो सोना मिलेगा उसमें से मुझे 1 ग्राम भी नहीं चाहिए। हम मिलके करेंगे, हमें कांटेक्ट रखने की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही करूंगा, तुम बस मेरे पीछे रहना। अब्राहम, करेक्टर इंट्रोडक्शन इज ड्रामेटिक, डायलॉग, एक्शन, इमोशन सब सही खेल गया, पर कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इसका भेजा कुछ ज्यादा ही गर्म है, ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है। भरोसा किया किसने? मैंने आज तक तुम पर कभी भरोसा नहीं किया, पर यहाँ यकीन का नाटक करेंगे। देखो तो जरा, पिक्चर है ये तो, ब्लू फिल्म आ रही है क्या? दिखा 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 ना यार, ये तो वही है अपना बैंगलोर वाला प्रकाश। रामू, ये तो तुम्हारी बहन है। हाँ, दिखा। थैंक गॉड, मैंने कहा था ना मामा जी, ये वीडियो फेक है, डुप्लीकेट है। क्या कोई तेरे पीछे पड़ा है? क्या कोई डरा रहा है? सच सच बता, बेझिझक होकर, कौन है, उसका नाम बता मुझे। वो मुझे मालूम नहीं, अगर होता तो भी नहीं बताती। पापा मम्मी देखो ना, बता उसका नाम बता दे। अगर मैंने उसका नाम बता दिया तो मुझे मार डालेगा।
वो कुछ भी कर सकता है, पैसा है, पावर है, वो बहुत ही घटिया इंसान है। वो फेक एसएमएस करके ब्लैकमेल करता है, अगर ब्लैकमेल से नहीं मानी तो वल्गर मैसेज करके फोर्स करता है। किसी को आंख उठाकर हमारी तरफ देखने की हिम्मत नहीं है, फिर भी मेरे बेटे की हालत किसने कर दी? तुम सब साथ में थे तो फिर कैसे हो गया? सरो सर, मेरी बात तो चुप रहो। बालू सर, एसपी और एमएलए साहब आ रहे हैं। ओ, आ गए क्या? क्यों रे, तुम वहीं पर थे फिर भी इसे मार कैसे पड़ी? किसने इसको इतनी बेरहमी से मारा है? कोई आइडिया नहीं, पर उसे पकड़ने के लिए एक अच्छा रास्ता है, सर्किल इंस्पेक्टर। बस करो बस, एक मामूली सा सर्किल इंस्पेक्टर इस केस में भला क्या करेगा? वो मामूली सी आई नहीं है, इंटरनेशनल फेम वाला है, उससे हाथ मिला लो, फायदा होगा। इस उम्र में झुक जाना मुझसे तो संभव नहीं होगा। जो भी हो तुम जाके संभाल लो। आप अगर डायरेक्ट जाएंगे तो पैसे की लालच में उस केस पर ज्यादा ध्यान देगा वो। हाँ, उसे पैसों की सख्त जरूरत है, क्योंकि वो अपने पागल बहन का इलाज करवा रहा है। क्या लिंकन की बहन पागल है? अरे बेटा तू क्या कह रहा है? लिंकन की बहन की उम्र क्या है? अरे मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया, तुझे आया? हाँ। बताओ। पूछ रहा है कि सीआई की बहन की उम्र क्या है। इस परिस्थिति में भी इस कमबख्त को लड़कियों की पड़ी है। देखो तो इसकी रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई, इतनी धुलाई से भी ये नहीं सुधरा। ये क्या कुछ कुसुर चल रही है? कुछ नहीं सर, हमें न्याय के रास्ते पर चलने की शक्ति दे प्रभु। हमारी प्रार्थना सुन लेना प्रभु, सदा सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पे चलाइए प्रभु। सर तुम चुप रहो, हम जैसे गरीब पढ़े लिखे ईमानदार पुलिस वालों की मदद करो प्रभु। जा देख कौन आया है। इस थाने में आने वाले लोग हमारे काम आने वाले हो प्रभु। संभाल के। आपकी प्रार्थना लगता भगवान ने सुन ली। बालू जी दामोदर जी दोनों आए हैं। प्रभु मुझे देने के लिए उसने दामोदर के रूप में भेज दिया। अरे वाह, मेरी प्रार्थना बेकार नहीं गई। अभी अभी कमिश्नर साहब ने मुझे फोन पर बताया आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आप हमारे सीआई साहब को संभाल लो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सीआई है कौन? पैसा खाता है, हर खिलाओ तो। आते हुए पैसों को ना कहने की आदत नहीं है उनकी। अरे भैया आओ तो, हर चीज का ईमानदारी से पैसा लेते हैं। हाँ आओ आओ, अंदर आओ। Thank you.
आई एम लिंकन, लिंकन जौद, पर प्यार से मेरे दोस्त मुझे लिजाहिद कहते हैं। हम भी आपको प्यार से लिजाहिद पुकारेंगे। क्यों? ये मेंशन। अरे बालू, ना ना ये सीआई नहीं, ये लुच्चा है। मुझे पीट पीट के बर्तन बनाने वाला यही है। बालू, अरे बेटे ये तू क्या कह रहा है? ये अपना नया सर्किल इंस्पेक्टर है, लीजॉर्ज। अयो पापा, ये लीजॉर्ज नहीं है, गुंडा है, गुंडा। ओहो, तो तुम हो मेरे बेटे को मारने वाले। अरे सर, ये क्या कह रहे हैं आप? बालू, क्या मैंने तेरा ऑफिस तोड़ा था? रास्कल, तूने ही मेरे ऑफिस में आके तुम बोल की थी, फिर मुझे मारा था। मोहन, ये क्या बोल रहे हैं? ओह, लगता है इनको भी वही गलतफहमी हुई है, समझे? कल भी मुझे लोगों ने कंप्लेन की थी, मेरा डुप्लीकेट बनकर शहर में आतंक मचा रहा है। दूर से देखने पर बिल्कुल मेरी तरह लगता है, सेम मेरी तरह है। सुनो सर, एक हफ्ते के अंदर मैं आपके सामने कहीं से भी लाकर उसे पेश कर दूंगा। वो बात नहीं है मिस्टर लिंकन, मैं प्लीज समझिए, अभी कोई बात मत कीजिए सर, एक हफ्ते का टाइम दीजिए। एक हफ्ते की तो बात है, आपको सब मालूम पड़ जाएगा। जो आप मेरे लिए पैसा लाए हैं वो अभी नहीं, एक हफ्ते के बाद दीजिए। इसमें मुझे थोड़ी दिक्कत है मिस्टर। ऐसे समय में मैं आपकी दिक्कत कैसे बढ़ा सकता हूँ? आप जो मेरे लिए पैसा लाए हैं उसे मत ले जाइए, पैसा तो सरस्वती होती है। सरस्वती नहीं, महालक्ष्मी। लक्ष्मी तो लक्ष्मी ही है। मोहन के हाथ में पैसा दे दो। मैं अपनी ड्यूटी शुरू कर देता हूँ, मुझ पर विश्वास रखिए, अब मैं चलता हूँ। कौन है वो आदमी, कौन है सरस्वती? बेटे वो लड़कियां नहीं, कैश, पैसा। अब आपका काम हो जाएगा सर। उसकी जबान खरी है सर, अब आपका काम हो जाएगा 7 दिन में। ठीक है, फिर 7 दिनों के बाद मिलेंगे। चलो। चलिए पापा। सारे नोट नए हैं। आप सच बताइए सर। क्या सच? उस बालू को आप ही ने मारा था ना, तो फिर फिर क्यों झूठ बोला आपने? काम पूरा करने के लिए मैं सैकड़ों झूठ बोल सकता हूँ। आपने जो किया वो चीटिंग ठीक नहीं है सर। क्या चीटिंग? उसने न जाने कितनी लड़कियों को बर्बाद किया है। रास्कल, मार देना चाहिए था हमें। नेक्स्ट टाइम अगर मिला तो मैं उसे मार दूंगा। मेरी भी एक बहन है, क्या तुम्हारी बहन नहीं है? मेरी बहन के बारे में आप ये मत पूछिए सर, एक लंबी स्टोरी है। क्या स्टोरी? झांक के क्या देख रहा है, है? यहाँ कोई फुटबॉल हो रहा है, है? चल भाग यहाँ से। ए, तू भी निकल यहाँ से, साहब से मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है। बाहर जा तू। सर, बहन की बात तो बाद में करेंगे, इस माल का पहले 50-50 कर ले, लीजिए अपना हिस्सा। बचा हुआ सारा पैसा आप लोग आपस में बांट लेना। ये क्या कह रहे हैं, दामोदर को पैसा देते हुए किसी ने नहीं देखा है सर। इनको पैसा देना बेकार है सर। थैंक यू सर, मुझे मंदिर जाना है, और कोई काम तो नहीं? पर आज तो कोई खास दिन है नहीं? सर कोई खास मतलब नहीं, मैं यूं ही दर्शन करने के लिए जाता हूँ, जाऊं सर? वो मंदिर दर्शन के लिए नहीं, ऑटो वाले को पकड़ने के लिए गया है सर। ऐसा क्यों? ऑटो वाला उसकी बहन को ले गया है सर। क्या मतलब? नहीं नहीं, उसकी बहन ही किसी ऑटो वाले के साथ भाग गई, तभी से वो पूरी तरह प्रार्थना पर विश्वास करने लगा है। सारी बात बता। हाँ क्यों नहीं, वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, बहुत ही प्यार करता था, इसीलिए ऑटो वाले को देखते ही बस सब कुछ भूल के ऑटो वाले को देखते ही भयंकर मारा मारी चालू कर देता है। मैं तो कह रहा था ऑटो वाला मारा मारी, आई एम सॉरी सर। सुनो सुनो लोगों, क्या हुआ? मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। आओ देखो देखो, तुम भी आओ, मेरी कार चोरी हो गई है। ए लड़की, क्यों चिल्ला रही है? इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? मैं क्या बताऊं सर, अयो मेरे पास एक इकलौती कार थी, वो भी चोर ले गया। सर प्लीज पता लगाइए ना। कौन है ये? ए भागो तुम लोग यहाँ से, चलो भागो, चलो यहाँ से। कौन है इनमें से जिसने सब कुछ तेरा लूटा? कार पार करके मैं कंप्यूटर क्लास करने गई थी, वापस आई तो देखा कार गायब। किसी ऑटो वाले ने उड़ा दिया होगा सर। कंप्यूटर पॉइंट में क्या करने गई थी? मैं वहाँ काम करती हूँ। तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है?
बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं कोई तुम्हारे जैसे किसी सड़े हुए फालतू के कॉलेज से बीए थर्ड क्लास नहीं हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? लल्ली। ठीक है, मोबाइल नंबर देके जाओ, जैसे कार मिलेगी खबर कर देंगे। तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं, पर शायद जल्दी होने वाली है। अच्छा ठीक है, तुम जाकर कंप्लेन लिखवा दो, तुम्हारी कार जहाँ भी होगी हम ढूंढ के निकालेंगे। बट इसमें थोड़ा खर्चा आएगा। कितना लगेगा? बाद में बता दूंगा, अभी तुम जाओ। मैं जाऊं? क्यों सर, आपके दिल में भी कुछ कुछ होता है? चोर कहीं का? शहर में कारों का चोर कहां से पैदा हो गया? 5-6 कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। ये अंदर की खबर है सर। कौन है वो? मैं आपको क्या बताऊं सर, गोल्ड माफिया से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा आदमी है। उसकी लाइफ स्टाइल थोड़ी डिफरेंट है सर। वो कहीं भी भिखारियों की तरह झोपड़ियों में पड़ा रहता है सर। वह दौलत अमीरों की तरह उड़ाता है। 5-star लाइफ सर। क्या कहूं सर उसके बारे में। अनंत नव रत्न विला संकट गतिंकिनी झलन झल झलन झल रवम मुकुंद विधि हस्तगत मर्दन लय ध्वनि मिथि मिथि नर्तन पदम शकुंदरद बर्हिरत नंदि मुख दंति मुख भृंगिनी संघ निगदम सनंद कल गप्प मुख वंदित पदम पर चिदंबर मदम हृत्पदे इश्क लड़ाए मिलके इश्क लड़ाए चल चल कहीं मिलके इश्क लड़ाए तेरा चेहरा दिन में चांद खिला दे दिल मेरा चाहे तुझे आंखों में छुपाना चेहरा दिन में चांद खिला दे दिल मेरा चाहे तुझे आंखों में छुपाना छुपाना ढूंढे मेरे पास तू आने का बहाना क्या
क्या गाना है, क्या डांस है, परफेक्ट रिदम, कोई कमी नहीं, सब वैसा है जैसा मुझे चाहिए। आओ हम दोनों मिलकर एक स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, आओ। अरे तुम बोल क्या रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें नहीं समझने वाली कौन सी बात है, मुझे कला से बहुत प्यार है। तुम्हारा गाना और डांस देखकर आज मुझे यकीन मानो बहुत आनंद आ रहा है। अभी जो कुछ तुमने किया, हमारे इलाके में चलकर तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, तुम्हारे डांस को फिर से देखना। मैं अकेला ही आऊं या मेरे साथ नाचने वाली लड़की को भी लेता हूं? तुम अकेले ही आ जाओ। हे भगवान, अरे भाई मैं अपनी मर्जी से दिल की खुशी से नाचता हूँ, डांस करता हूँ, और फिर डांस करते करते मैं गाना भी गाने लगता हूँ। मेरे छोटे से मोहल्ले में अपनी पसंदीदा जगह पर कोई ना बोले तो भी मैं नाचता गाता हूँ। कॉमेडी सीन खत्म हुआ, अब सीरियसली बता, है कौन तू? सीधे से नहीं जाओगे, मुझे जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी ट्राई करके देख लो। ये मिलिट्री बॉडी है, बेमतलब लड़ रहे हो तुम मुझसे। बुलाता हूँ।
सर किसी ने गोली मार दी है, ट्रीटमेंट जल्दी करनी होगी। ये बहुत हाई फाई प्राइवेट महंगा हॉस्पिटल है, पहले यहाँ एडवांस देना पड़ता है। एडवांस इतने में चल जाएगा ना? ओके, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम इब्राहिम है, 7 बंगला लेन, रूम नंबर 14। पेशेंट आपका क्या लगता है, उसका नाम क्या है? ये मेरा छोटा भाई है, नाम है जॉनी, जॉनसन रॉबर्ट। ब्लड लगेगा? इसका ब्लड ग्रुप बता दीजिए, आप जितना कहेंगे उतना मैं ब्लड ले आऊंगा। उसमें अभी काफी टाइम है, फिलहाल 3 बॉटल ब्लड के लिए पैसा जमा कर दो। ठीक है सर। यस, हाँ हाँ, लेके आया है, जस्ट नाउ। हमारे हॉस्पिटल में आना उसके लिए दुर्भाग्य की बात है। हाँ, गोली का जख्म है, देखने में तो छोटा है पर सीरियस है, प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ तो। प्रॉपर ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं, मैंने जो कहा समझ गए? सर ऑफिस में पैसा जमा नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो गई बता रहे हैं। ओ पॉजिटिव उसका ब्लड ग्रुप है, ब्लड बैंक में इस ग्रुप का पूरा ब्लड खराब हो गया है। उस ग्रुप के 50 आदमियों को ले आऊंगा 10 मिनट में। उसमें बहुत रिस्क है, पेशेंट का बहुत खून बह चुका है, अच्छा होगा कि सरकारी हॉस्पिटल में ले जाओ। सर इस कंडीशन में ले जाने में खतरा है, मेडिकल कॉलेज 50 किलोमीटर दूर है। जो कहना था कह चुका। अब जो मैं कहना चाहता हूँ उसे ध्यान से सुनिए, मैं प्यार से बोल रहा हूँ। हॉस्पिटल में 7 साल काम किया है, मेरे लाए हुए पेशेंट को इतना बड़ा हेमरेज नहीं हुआ है, उसे फॉरन ग्लूकोज चढ़ाइए, तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर फटाफट काम शुरू कर दीजिए सर। उतने में जाके मैं जल्दी से ब्लड लेके आता हूँ, ओ पॉजिटिव। आप अपनी जगह से नहीं हिलने के लिए पेशेंट को वापस भेज देंगे, ये उचित नहीं है डॉक्टर। ये हाईटेक हॉस्पिटल सुपर स्पेशल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट रेलवे का 4th ग्रेड स्टाफ है। तुमने ही कहा था तुम्हारा भाई है, कुछ भी हो मैं इस पेशेंट को यहाँ नहीं एडमिट करूंगा। तुझे भी शूट कर डालूंगा और दोनों को एक साथ मेडिकल कॉलेज में डाल दूंगा, इसमें से एक गोली भी बाहर निकलेगी तो तेरा भेजा डॉक्टर मेडिकल कॉलेज पहुंच जाएगा, समझा क्या? अब तो मेरे पेशेंट को एडमिट करेगा ना, अब तो उसे ब्लड मिल जाएगा ना, उसे अब यहाँ से डिस्चार्ज करने के लिए किसने कहा बता? साफ साफ बोल राजकल। आई एम सॉरी। चल अब बता कौन था वो दामोदर जी ने। इस हॉस्पिटल का मालिक वही है क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक। तो ये पेशेंट कौन है? ये पेशेंट है सर्किल इंस्पेक्टर लिंकन। डायरेक्टर को मैं संभाल लूंगा, तू अपनी ड्यूटी कर, फटाफट अपना काम चालू कर, जल्दी से काम करो साले बदमाश। इंस्पेक्टर की बहन हो ना तुम? हाँ, मेरे भाई। ऑपरेशन हो गया, घबराओ मत। डॉक्टर मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसे देख सकती हूँ? पेशेंट को अभी तक होश नहीं आया, आप उससे नहीं मिल सकती। तो देख तो सकते हैं ना डॉक्टर, ये कोई अछूत नहीं है। छोड़ दो, छोड़ दिया, जाने दो, जाइए आप। फोन आप ही ने किया था अब्राहम? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं, अनजान व्यक्ति को बचाकर यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, नेक काम किया। इट्स ओके, वेलकम। एक्सक्यूज मी। बस करो बस करो,
हंसते हंसते पेट फट जाएगा। किस बात पे इतना हंस रहे हो? अरे तुम पर कोई जोक नहीं सुना रहा था। अब्राहम नाश्ता तो कर लिया ना? नहीं किया होता तो मांग लेता। हाँ दोपहर का खाना खाकर ही जाऊंगा, ठीक है? हम दोनों में भाई बहन से ज्यादा दोस्ती का रिश्ता है। We are friends. माता पिता बचपन में ही गुजर गए। सही बताऊं तो पढ़ाई लिखाई में मैं कुछ खास नहीं था, पर मेरी बहन नैंसी डिग्री कॉलेज में सेकंड डिवीजन में आई, सिविल सर्विस में जाना चाहती थी। बेंगलोर के एक इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। वहां पर न जाने कैसे वो पागल हो गई, मेंटल डिस्टर्ब। सडनली ऐसा कैसे हो गया? वहां पर वो किसी से प्यार करने लगी थी, शायद उसको प्यार में धोखा मिला। बेंगलोर में वो ड्रग्स लेने लगी। जब मैं उससे मिलने गया तो पागलों जैसी भटक रही थी। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया, थोड़ा ठीक हुई तो इस शहर में सर्कल इंस्पेक्टर बनके मेरा ट्रांसफर हो गया। यह ट्रीटमेंट फॉलो अप से उसकी हालत ठीक हो गई। वो कौन था? मैंने पूछा नहीं और उसने बताया नहीं। फिर पता लगा के क्या करता? उसका पता मिलते ही मैं उसे मार डालता, जेल जाता और मेरी बहन अकेली रह जाती। उसकी शादी का क्यों नहीं सोचा? जिस लड़की का इलाज चल रहा है उससे कौन शादी करता? दो चार रिश्ते भी आए थे, उन लोगों ने लाखों की मांग की थी। मैं इतना पैसा कहां से लाता? चोरी करना पड़ता क्योंकि मैं रिश्वत से नफरत करता हूं। और ना चाहते हुए भी मैं आजकल रिश्वत लेने लगा। और सच बात यह है दोस्त, मैं हरामखोरों से ही रिश्वत लेता हूं। अब तुम ये बताओ, तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हारे भाई को किसने मारा? अरे रिवेंज कैसा, किसने मारा कैसे मारा कुछ पता नहीं, और कभी हाथ भी आया तो मार पीट के कानून के हवाले कर दूंगा। बेस्ट, कानून का मतलब यही होता है। तकलीफ हो रही है, जाके आराम करता हूँ। हाँ एक बात मुझे याद आ गई, खाना जरूर खा के जाना, समझे? ओके। हेलो, मैं शंकरनाथ, सोनार किला। एक प्रॉब्लम हो गया यार, कैश राव के आदमी ने लूटा होगा, वो हाईवे की तरफ गया होगा और भाग नहीं सकता। बाद में फोन करता हूँ। हमीद, हेलो, हेलो लिंकन सर, मैं हाईवे सब इंस्पेक्टर हमीद बोल रहा हूँ। सर यहाँ हाईवे पे गोल माफिया का बड़ा लफड़ा हुआ है, सोनार किला में कोई शंकरनाथ का कलेक्शन चुरा के भाग गया। पैसे कौन ले गया पता नहीं, लेकिन जिसके हाथ से पैसे छीनेगा वो यही है। वो अपनी गाड़ी में उसकी बहुत धुलाई हुई है, उसको हॉस्पिटल ले जाने की हालत में भी मैं नहीं हूँ सर। अब तक तो उस कलेक्शन छीनने वाले डकैत को मैं पकड़ लेता, लेकिन मेरी गाड़ी में दरवाजा नहीं है और सेलफोन का चार्ज भी खत्म हो रहा है। सर आप ही कुछ कीजिए सर। ओके सर। इधर आओ। यस सर। इसे हॉस्पिटल में दिखा के पुलिस स्टेशन लेके आओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। उस चोर को तो पकड़ना ही है। फाइव टू आंसरिंग। जीप लेके आओ। हाईवे से हमीद बोल रहा हूं। तू रेडी है ना? चल आगे निकल। हाँ राव साहब, अभी बोल रहा हूं। हाँ तुम्हारा आदमी अभी देखा। उसे आगे भेज दिया मैंने। मेरे जैसा आदमी नसीब वालों को ही मिल सकता है। hey, वो लिंकन सर की जीप है ना? हाँ सर। लेकिन लिंकन सर को तो गोली लगी है, इस वक्त उन्हें तो घर पे होना चाहिए, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम इस जीप का पीछा करो, जल्दी करो यार। हाँ
क्या था कहीं का? हटो रास्ते से, हट यहाँ से। सही सर। चलो मो कमाल गो फास्ट। जो पीछा करा तो कहां गया? नहीं सर। ओहो, तो वो ओरिजिनल पुलिस नहीं, उन्हीं का आदमी होगा। खैर जाने दो। क्यों रे, ओरिजिनल नोट है ना, दिखा दिखा। वेरी गुड, मत कर बनकर, वो बैग इधर ला। ऊपर आ। ये बैग ले जाके मेरे रूम में रख देना। ओके सर। ए, रास्ते से हटो, हटो यहां से। ये लाखों रुपए के नकली नोटों का बैग है, इसे इसके साथ पकड़ा। तुम सबको गवाही देना है। हाँ सर। ये रहा पैसा, मेरा कमीशन कितना होगा आप ही बताइए। अरे मैं पहले ही बता चुका हूँ, 10% तुम्हारा, 90% हमारा। अरे वो तो पहले का हिसाब था, ये मेहनत करके कमाया हुआ पैसा थोड़ी है, शंकरनाथ से उड़ाया हुआ है। अगर मैं भागकर उस पुलिस वाले से पहले ना पहुंचता तो इतने सारे नोट यहाँ ना पहुंच पाते। वो आदमी पुलिस वाला था क्या? नो आइडिया। अरे वो अपनी प्रॉब्लम थोड़े ही है। स्टॉप इट। वो मेरा प्रॉब्लम है, उसे मैं सॉल्व करूंगा। सर ये पैसा 10% से काम नहीं चलेगा। सर, सर यही तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। 50-50 बांट लो। ओके सर। 50 इसको दे दो और 50 यहां रख लो। सर फिर? रहमान एक काम करो, पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे बेईमान कुत्तों का रहना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, इसीलिए इसको दे दो पैसे। ट्राई टू यूज हिम। अपना इरादा शंकरनाथ का सिर्फ पैसा चुराना नहीं है, बल्कि उसे बर्बाद करना है। सोनार किला का नामो निशान बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ये तो चिल्लर पैसे हैं, देखो। सर ये देखिए, बिल्कुल ओरिजिनल जैसा ही है। इसे कोई जाली नोट कह ही नहीं सकता, एक बाप औलाद ने भी फर्क नहीं बता पाएगा। ये नोट पब्लिक में भी बहुत फैल गया है, पब्लिक अब बहुत ही चालाक हो गई है। क्यों सर, मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुम अपनी बकवास बंद करो। अरे बेवकूफ, ये नोट उसने थोड़े ना प्रिंट किया है। तो फिर किसने प्रिंट किया? सर सोनार किला शंकरनाथ का जेवर का बिजनेस मार खा गया, इसीलिए वो जाली नोट के धंधे में उतर गया। सर मार्केट में नोट फैलाने के लिए शंकरनाथ का आदमी हाईवे से जा रहा था। अब देखिए हरामी जो है, एक छोटा सा मोरा, इसका नाम है रॉबर्ट।
ये शंकरनाथ के आदमी को मार के पैसे छीन के भाग रहा था। बेचारा। अरे भैया जब ग्रह दशा खराब होती है तो हर काम उल्टा हो जाता है। अब्राहम मेरी जीप किस समय लेकर गया था? जब तुम सोने के लिए गए उस टाइम 10:30 तो हो चुके होंगे। वापस कब आया? Within 2 hours। वापस जब लौटा हेडलाइट ठीक थी? हाँ थी। टाइम में तो कोई फर्क नहीं आया, यहाँ से गया तो हेडलाइट रिपेयर करवा के वापस आ गया। बट भैया अब्राहम पर शक कर रहे हो? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, पुलिस वाला हूं ना, हमीद ने बताया वहां पर मेरी ही जीत थी। सच कहा तो अब्राहम ही भरोसे लायक है, हमीद नहीं। मैं अब्राहम पर शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसे मैं अंदर ही करूंगा। सोनूर के शंकरनाथ निकल बाहर। पब्लिक के सामने हथकड़ी मत पहनाइए सर, प्लीज प्लीज। मैं जितना पैसा कहेंगे मैं आपको दूंगा सर। सर अबे नहीं जा। मेरे इलाके में क्यों लेके आए? तुम्हारे जैसे लोगों के बारे में तुम्हारे इलाके में सबको सच्चाई मालूम होनी चाहिए। तेरा दूसरा रूप भी सबको देख लेना चाहिए। सर मेरी बात तो सुनिए। तू क्या सुनाएगा मुझे? आगे चल। लिंकन ने अब्राहम को पकड़ लिया सर। काउंटडाउन स्टार्टिंग, यह पुलिस की उल्टी गिनती शुरू। मुझे लग रहा है यही है हवलदार अब्राहम। ये सर्किल इंस्पेक्टर को अच्छी पार्टी देनी चाहिए सर, ग्रैंड। राव का ये स्टाइल नहीं है रहमान, कुछ और ही है। गाड़ी चलाओ। रुको, रुक जाओ।
अगर कोई भी आए इसके बारे में पूछे तो इसके बारे में कुछ मत बताना। इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। मैं चखाऊंगा इसे गद्दारी का मजा। उसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, नैन्सी तुम समझती क्यों नहीं? किसी गोल्ड माफिया के साथ अब्राहम का संबंध है, इसलिए गिरफ्तार किया है ना? ये कोई छोटा गुंडा नहीं है, शंकरनाथ सोनार किला। शंकरनाथ की तरह बड़ा स्मगलर है, बहुत दिनों तक कानून के हाथों से बचता रहा। ये बहुत खतरनाक गुंडा है। शंकरनाथ ने ही अब्राहम को भेजा था, मुझे खत्म करने के लिए भेजा हुआ मोहरा है अब्राहम। मेरी गाड़ी लेकर, यूनिफॉर्म पहनकर, मेरी गाड़ी को यूज करके उस गोल्ड माफिया की मदद की। सब इंस्पेक्टर हमीद बेवकूफ है, इसलिए उस पर शक नहीं किया। ऊपर से किसी नेता का फोन आया होगा अब्राहम को छोड़ने के लिए। लल्ले, बहुत दिनों से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, इसलिए पहचान नहीं पाया। तुम्हारी आवाज कौन भूल सकता है? लिंकन जी यहाँ मौजूद नहीं है, कहाँ है वो? कभी कभी फोन कर लिया करो, है? नहीं तो मैं ही कर लिया करूंगा। तुम मिस कॉल कर दिया करो, मेरा फोन हमेशा चालू रहता है। अभी तुम फोन रखो, बाद में फोन करूंगा। सर। हाँ मोहन। मोबाइल आपने ऑफ कर रखा है? हाँ तो क्या हुआ? कलेक्टर साहब ने फोन किया था सर, अर्जेंट काम के लिए ऑफिस बुलाया है। विचित्र आदमी है ये कलेक्टर भी, जो दिल्ली मुंबई हर जगह जब देखो घूमता रहता है। हर तरह के ऑथराइजेशन, ये एक तरह का हंगामा है। लाइमलाइट में आने के लिए ये सिर्फ एक चीप ट्रिक होता है। आर्थिक मंत्री जॉर्ज माइकल का बेटा है ये कलेक्टर। ये माइकल कौन है मालूम है? मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस पर केस चल रहे हैं, अनगिनत केस। तुम घर जाओ। ये कलेक्टर ने क्यों बुलाया मैं देखता हूँ। ये माइकल आदमी अच्छा नहीं है, उसका लड़का अच्छा है ऐसा पता चला है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए शायद कलेक्टर ने लिंकन सर को ऑफिस में बुलाया होगा। जब नया टीम बनेगा हमारा तब पता चल जाएगा इन सब ऑटो वालों को। आप बैठिए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, भैया को अच्छा नहीं लगेगा। आप मेरे लिए एक ऑटो मंगवा दीजिए, मुझे ऑटो में चलना अच्छा लगता है। क्या देख रहा तू है? क्या देख रहा है? ये भी ऑटो में जाएगी सर। चल चल, ऑटो बुला के लाते हैं। प्लीज मिस्टर लिंकन, डोंट आर्ग्यू विद मी। वो गुनहगार होगा पर कोई सबूत नहीं है उसके खिलाफ। सर, मेरी नजरों के सामने शंकर को अब्राहम ने बचाया। जब कोर्ट में उसके खिलाफ गुनाह साबित नहीं हो जाता तब तक हम जो करेंगे वो एक आर्गुमेंट ही होगा। माना कि अगर वो गुनहगार है भी तो उसे सजा नहीं दे सकते हो, और आप उसे हजारों लोगों के सामने सरेआम बीच रास्ते पर उसे मारते हुए ले गए। मैं इसके सख्त खिलाफ। सुनार किला शंकर और उसके दुश्मन राव, इन क्रिमिनल्स के अटैक के बारे में मुझे पता चला है। जाली नोट, शराबखाना, टैक्स की चोरी जैसे गुनाह, इनका बनाया हुआ सोना बैंक में गिरवी रखने के लायक भी नहीं है। इनके सब कारनामे हमें रोकने होंगे, और इसके लिए मैं तुम्हें लिमिट से बाहर जाके भी मदद कर सकता हूं, पर ये सब जो हुआ उसे भूल जाओ। माफ कीजिए सर, शंकरनाथ को कुचलने के लिए कलेक्टर की जरूरत नहीं, एक इंस्पेक्टर ही काफी है। हाजी मस्तान यूसुफ पटेल को कुचलने वाला कोई और नहीं, पुलिस कमिश्नर भी नहीं था, ऑर्डिनरी इंस्पेक्टर था। तब मिस्टर इस देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। बिना इमरजेंसी होने पर हमें इतना अधिकार मिला है। हाँ, इसमें बड़े लोग भी फंस सकते हैं। उसमें कौन कौन से लोग हैं ये आप जानते हैं? यस, आई नो अबाउट माई फादर। वो एक मिनिस्टर होकर भी गलत रास्ते पर चल रहे हैं, ये बात मुझे पसंद नहीं, इसलिए उनसे कोई रिश्ता नहीं।
आई एम सॉरी सर। इट्स ओके, आई रियली डिजर्व इट। तुम्हारा गुस्सा वाजिब है, सो टेक केयर। पिताजी, आपके बीच आपसी संबंध ठीक नहीं है क्या? अगर पिताजी के कहने से चलूंगा तो अपने लोगों से दूर हो जाऊंगा। सारी दुनिया तो यही समझती है कि हम बाप बेटों में गहरी दुश्मनी है। कहां तुम एक आदर्शवादी कलेक्टर और कहां मैं एक घटिया नेता है। लोगों को यही समझते रहने दो, इसमें ही अच्छा रहेगा, समझे? अच्छा, ये दोनों कौन है? अब्राहम लिंकन? अब्राहम एक एक्स मिलिट्री वाला है, लिंकन यहाँ का सर्किल इंस्पेक्टर। पुलिस वाले, मिलिट्री वाले, दोनों ही अपने भरोसे के लायक नहीं। इनके अंदर पता नहीं कब देशभक्ति जागृत हो जाए, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। अब्राहम को समझाने के लिए मैं शंकरनाथ से बोल देता हूँ, लिंकन को तुम देख लो। ये शंकरनाथ और राव को साथ में चलने के लिए मना कर देना। मैं शंकरनाथ और राव दोनों से मिल लेता हूँ, अलग अलग जाके। शंकर, तुम और हम दोनों बाप बेटे जैसे हैं, पर मुझे तेरा बाप बनने का नसीब तो मिला नहीं, क्या करें। बाप बेटे की बातें मत करो, समझे? सीधे बिजनेस की बातें करो। कभी मैं गोल्ड के मूवमेंट के बारे में तेरे बेटे को जानकारी देता हूँ, गोल्ड पकड़ने पर उसमें तांबा मिला दे। अरे उसमें तो पहले से तांबा मिक्स किया रहता है शंकर, तुम ओरिजिनल सोना पकड़वाओ तब ना। उस राव के गोल्ड मूवमेंट के बारे में पता लगाते रहना। इसका मतलब शंकरनाथ मेरे पीछे पड़ा है और मुझे बर्बाद करना चाहता है? इसमें कोई शक नहीं, ये बात तो मैंने चोरी छुपे पता लगवाई अपने बेटे की ऑफिस से। शायद उस पे मेरे डोज का असर नहीं हुआ है। ठीक है, जल्दी ही उसे दूसरा डोज देना पड़ेगा। अरे राव साहब, आप आए? हाँ। एक फोन कर दिया होता। हाँ, ये लिंकन। अंदर आइए ना। हाँ, मेरे पीछे आओ। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। मैं हूं राव, तुम्हारी भाषा में गोल्ड माफिया। बात क्या है? ये है मेरे लॉयर। हमारा पहले से परिचय नहीं हुआ। आई एम एडवोकेट ईश्वर। ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, बैठिए। थैंक यू। हमारे पास बैठने के लिए टाइम नहीं है इंस्पेक्टर, हम एक आदमी को जमानत में छुड़ाने आए हैं। कौन है वो? आपने जिसे अरेस्ट किया है वो शंकर का आदमी है, नाम है हवलदार अब्राहम रॉबर्ट। एनी प्रॉब्लम? सॉरी सर, मुझे एक बार अब्राहम से बात करनी होगी, उसे आपकी जमानत मंजूर है या नहीं सर? आप अगर जमानत देंगे तो मैं बाहर आने के लिए तैयार हूं। यह बिल्कुल सच है कि मैं शंकरनाथ का आदमी हूं। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने उसे आपसे बचाया पर वो अभी तक नहीं आया। मुझे जेल में 24 घंटे हो गए पर मुझे क्या मिला? मुझे शंकर ने बहुत बड़ा धोखा दिया है और अब ये लेके आए हैं लॉयर। एक बार मैंने आपको भी बचाया था, याद है ना? बीच रास्ते में सरेआम मुझे मारते हुए ले आए आप। मेरा भाई जॉन दुश्मन नहीं था तुम्हारा। अब्राहम के लिए काम करता था, तुमने उसे मार डाला। रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो फिर भी ऐसा गुनाह किया आपने। अब जाके एहसास हुआ, मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करने का यही कारण है ना? यही है ना? हाँ अब्राहम। अगर आप नहीं आते तो मैं खुद चलकर आता आपके पास। जॉन जैसे आदमियों को पैसों का लालच देकर मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें मौत के मुंह में भेजने वालों का मैं पक्का दुश्मन हूं। दुश्मन की ताकत तोड़ने और कमजोर करने के लिए मैंने जानबूझकर यह नाटक किया,
अब्राहम तुम्हें शायद जरा भी अंदाजा नहीं, राव के सामने वो शंकर कुछ भी नहीं। अब्राहम तुम्हें शायद पता नहीं, राव के सामने वो शंकर कुछ भी नहीं। ये राव क्या चीज है तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन मैं साबित कर दूंगा। मेरे जैसा बचपन में ही मिलिट्री ज्वाइन कर लेने वाला अनाड़ी और क्या कर सकता है सर। बॉर्डर पे रहने वाला मैं चपाती खाकर रात को रम पीकर सो जाने की औकात रखता है, ऐसा सोचता है शंकर। लेकिन मैं उसे गलत साबित करके रहूंगा। वकील साहब यहां आइए। उसने हमारी बात नहीं मानी क्या? नहीं ए, नहीं रे। सभी मुझसे धोखा कर रहे हैं, मुझे भरोसा नहीं। Who is next? अगर धोखा देना होता तो तुम्हें पुलिस से क्यों बचाता? उसने मुझे पुलिस से बचाया था, वो पास्ट। अब वो राव का आदमी है। That is present. हेलो ओके, वही रुको, डरो मत। अगर हो सके तो मेन स्विच ऑफ कर दो, खिड़की दरवाजों के पास मत जाना। बीवरत अभी आता हूं। You.
कर दूंगी मैं इश्क की सरगोशियां कहती है कब से जो बाते वो बता दो तुझे प्रेम न कर कर तुम मुझको न यूं कर पाओ तुम हो अंग अंग में शोला रह गए तुम बाहों में भर लो आज मिटा जो दूर सभी बस प्यार मुझे कर लो रहे ना कोई दूरी तुम्हारे मेरे बीच ऐसा करो कल जाली नोट केस की सुनवाई है लिंकन कोर्ट में गुनहगारों को लेकर हाजिर होगा अब्राहम तुम्हें अपनी वफादारी दिखाने का एक चांस देता हूं मैं स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन के साथ वो वहां पे आएगा उन्हें बचाना मुश्किल होगा मैं बचाने की बात थोड़ी कर रहा हूं किल हिम किसको लिंकन को ना दरअसल मारना तो लिंकन को ही है पर अभी नहीं मेरा एक गॉडफादर है जॉर्ज माइकल बहुत खराब है इस केस से हमारे बीच प्रॉब्लम हो सकती है फिलहाल खुद को बचाना है जाली नोट केस से बाहर बचने के लिए उनमें से एक को मरना ही पड़ेगा तुम अपने मिलिट्री दिमाग का इस्तेमाल करो बाबू कौन मरेगा शंकरनाथ के आदमी को वही पैसा लाया था ना मेरे ख्याल से अपने आदमी को मारना बेहतर रहेगा क्योंकि मरने के बाद तो वो अपना आदमी नहीं रह जाएगा किसी ने किसी को मार दिया किसने मारा मुझे नहीं पता मारने वाले को कोर्ट में मेरा नाम नहीं लेना है ये ध्यान रखना अल्लाह बुढ़ा वो बहुत सयाना है खड़ूस की उस खोपड़ी की मुझे दाद देनी पड़ेगी तुम पर राव को कोई शक तो नहीं है आपके गुरु को भगवान ने इतना ज्यादा दिमाग भी नहीं दिया सर आपको पता होगा विलन जो होता है ना उसके पास शारीरिक बल के सिवाय दिमागी ताकत होती ही नहीं इसलिए क्लाइमैक्स में हार जाता है अब बताओ मेरा रोल क्या है मुझे क्या करना है इसमें मैं राव के दिमाग को फॉलो करूंगा राव को अगर उसका आदमी नहीं चाहिए तो मुझे भी नहीं चाहिए मार दो उन्हें जाली नोट का केस है हमीद ने इसे क्लियर साबित किया है पब्लिक ने भी देखा है अब तो बचना बहुत ही मुश्किल है अपना कोई भी सुराग नहीं बचना चाहिए इसलिए उसको मार डालो क्या कोई शक है सोचो मत सेंटीमेंट जाग रहा है थोड़ा सा पर बाद में नहीं बचेगा ये अब्राहम तो इंटरनेशनल खिलाड़ी जैसा है दोनों दुश्मनों के बीच यह अच्छा गेम खेल रहा है तुम्हारा इन्फॉर्मेशन करेक्ट है ना अरे मैं ही गोल्ड माफिया और मिनिस्टर के बीच लिंक हूं अगर मैंने मुंह खोला तो अब्राहम आउट डबल डेथ होगी अब्राहम मरेगा शंकर मरेगा क्या करूं दोनों मरेंगे हीरे जवाहरात के लिए ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है अब्राहम की कोई कीमत नहीं आई वांट हिम लिंकन जॉन इंस्पेक्टर लिंकन की मौत जरूरी है उसे मार दो अब्राहम और लिंकन पुराने दोस्त हैं इसलिए लिंकन को मारने के लिए अब्राहम तैयार नहीं होगा ऐसा कुछ प्लान बनाओ कि इस केस में तुम भी जुड़ जाओ लोगों को इसका पता भी न चले किसी तरह फायरिंग चालू कराना इसी का फायदा उठाकर तुम लिंकन को गोली मार देना लिंकन ऐसा क्यों सर आपको लिंकन से क्या परेशानी है लिंकन जिंदा रहा तो मुझे खतरा है नो मोर क्वेश्चंस अब्राहम अगर फायर करेगा तो लिंकन चुप नहीं बैठेगा वो भी अटैक करेगा दोनों तरफ की क्रॉस फायरिंग होगी अगर मैं बेचारा मारा गया तो सर आप ही कुछ रास्ता निकालिए ना सर तुम और अब्राहम मिलकर एक डील करो पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए तो, 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 तो,
थैंक्स हमीद साहब, ऐसे ही मौकों पर हमें आपकी मदद चाहिए। यस, आज से आप लिंकन के साथ रहेंगे एज अ पुलिसमैन। आपको कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगा। सर्विस रिवॉल्वर यूज किया तो लिंकन के बॉडी पोस्टमार्टम के समय काफी प्रॉब्लम आएगी। बैठो, बैठो ना, थोड़ा साइड दो। ऐसी चेंजिंग पहले तो नहीं की होगी ना? तुम लोगों का नाम राजू और रहीम है ना? अब तक तो राव के लिए काम करते थे ना, फिर शंकर के ग्रुप में कैसे आ गए? पीटर कमिश्नर, पैसा डबल मिलने पर फुटबॉल के खिलाड़ी जैसे टीम बदल लिया करते, वैसे ही। जॉनसन रॉबर्ट का नाम सुना है? जॉनसन? अरे वही जॉन। मैं अब्राहम, जॉनसन रॉबर्ट का भाई। जॉनी की मौत का बदला लेने के लिए मैं अभी तक जिंदा हूं, अब तुम नहीं बच सकते, तुम्हारा टाइम खत्म। Hey!
चाकू नीचे फेंक दो। सॉरी सर, गन डाउन। आई से गन डाउन। अब्राहम, मैं तुमसे कहता था ना, लिंकन सर को सही पहचान बिल्कुल नहीं आती। हम दोनों चोर जैसे दिखते, कोई अंधा भी हमें देखते ही पहचान लेगा। मार दूं तुझे। तुम मारोगे या मैं ही मार दूं? मार दे। मार दे। नकली गोलियां हमिद साहब, फेक बुलेट्स, यूजलेस डमी। वो कहते हैं ना, चोर के हाथ चाबी दो असलियत खुल जाएगी। मैं तेरे साथ हाथ मिलाऊंगा ये कैसे सोच लिया रे पगले हमिद? चाहते अपनी हम
तेरे दिल को ठंडक मिल गई ना शंकर? मुझे तकलीफ देकर तू तो खुश है ना? सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। तूने जितनी तकलीफ मुझे दी है, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ मैं तुझे दूंगा। मैं कमजोर नहीं हूँ। ए, तू भी कमजोर नहीं है। सचमुच मैं भी कमजोर नहीं हूँ। पर हम दोनों को बेवकूफ बना गया वो। हाथों में सोना, दिल में दुश्मनी, भेजे में भूसा भरा है जो किसी भी काम का नहीं है। इसीलिए एक फालतू मिलिट्री हवलदार की बातों में आकर उसे अपना सारा राज उगल दिया जो एक सीक्रेट था। समझ गए ना? हमीद ने साथ साथ अपने दो कीमती मोहरे भी गवा दिए। अब भी दिमाग में कोई नया धासू आइडिया आया क्या शंकर? बेसब्र मत बनो, अपने हाथ में समय है। शंकर,
वो मिलिट्री वाला कोई वन मैन आर्मी नहीं, उसके सर पे जरूर कोई बड़ा हाथ है। हम लोग दूर से उसकी हर हरकत पे नजर रखेंगे, अच्छी तरह देखकर मौत के घाट उतार देंगे। सर्किल इंस्पेक्टर लिंकन के घर में अब्राहम बात गले उतरी नहीं। इंटरेस्टिंग। नैन्सी लिंकन दोनों शॉपिंग मॉल में क्यों, और दोनों कैसे आए वहां? अब्राहम और लिंकन, बट व्हाट फॉर? अब्राहम के बारे में तो समझ में आता है, लिंकन से क्या दुश्मनी है? अब्राहम की नई गर्लफ्रेंड बनी है, यही है ना नैन्सी? ठीक कहा ना? क्या कलेक्टर की बात करता है, भाला तलवार बंदूक लेकर मारकाट करने वाला गुंडा पुलिस वाले की बहन का रंग रूप देखकर उसके इश्क में गिरफ्तार हो सके? वो तो देख रहा हूँ, देखता रहता हूँ। आपकी उम्र ढल गई है इसलिए ऐसा कह रहे हैं। अपनी नशीली आंखों से किसी को भी वो अपना दीवाना बना सकती है। ये नैन्सी जॉर्ज, एक टाइम था मैं उसका गुरु था, माता पिता गुरु देव। तब वो बैंगलोर में पढ़ती थी सिविल सर्विस कोचिंग सेंटर में, और उस कोचिंग का मुख्य इंस्ट्रक्टर मेरा दोस्त था। तब मैं दिल्ली में टाउन प्लान में था, हर सप्ताह दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट बैंगलोर जाती रहती थी सिविल सर्विस स्टूडेंट को गेस्ट लेक्चरर बनके वहां सुंदरियों का क्लास लेने के लिए। तुम जानते हो शंकर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बहाने फुसला कर सोनार किला ले आया था। बाइक रेसर बॉय जॉनसन रॉबर्ट को जब रॉ के आदमियों ने मार डाला था। नैन्सी, ये धरती का स्वर्ग है, तुम थोड़ा धीरज रखो, पहली बार यहाँ आई हो इसलिए घबराहट को दूर करने के लिए डोज दे रहा हूँ। आपके इंजेक्शन से कुछ हुआ तो नहीं सर? वो ये सब आसानी से नहीं करती, इसके लिए मुझे प्यार का झूठा नाटक करके फांसना पड़ा। अब कुछ भी हो परवाह नहीं, उसे एक और डोज देना पड़ा तो दूंगा। हेलो नैन्सी, नैन्सी कम हियर। ए तुम क्या कर रही हो? सिट, इट्स ओके, इट्स जस्ट फॉर मी। नो, यू आर चीटिंग मी। तुमने मुझे प्रोजेक्ट के बारे में रिपोर्ट देने के लिए कहा था, ये कैटवॉक फैशन शो मैं नहीं करूंगी, मैं वैसे लड़की नहीं हूँ। अरे रे रे, आज के जमाने में ये आम बात है, इट्स जस्ट फॉर फन। फन? ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। क्यों छोड़ के चली आई नैन्सी? तो मेरा क्या होगा, मैं तुम्हें यूं ही नहीं जाने दूंगा। ए, यूबी।
नैन्सी, नैन्सी, नैन्सी। इसका मतलब ये है मिली नहीं। पूरे हाईवे पे मुझे नहीं दिखी। एक हफ्ता पता नहीं कहाँ घूमती रही, फिर वापस अपने घर को चली गई। पर उसी दिन से एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, लिंकन को इस बारे में पता है या नहीं? अगर पता है तो बदला क्यों नहीं लिया? वो डरता होगा, तुम्हारी पोजीशन ऊंची है। यही बात होगी या फिर किसी सही मौके की तलाश में होगा। हो सकता है। तुम लोगों से उसकी कोई खास दुश्मनी नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि असल में उसका टारगेट मैं हूँ। मैं भी सही मौके की ताक में हूँ। दुश्मन बलवान हो तो ज्यादा ही मजा आता है शंकरनाथ। हेलो सर, सर्कल इंस्पेक्टर लिंकन का घर है ये? हाँ जी। मैं आई नो, हु इज स्पीकिंग? मैं उनकी बहन बोल रही हूँ। भैया नहीं है, पुलिस स्टेशन में होंगे। मैं आई नो हु स्पीकिंग? हाँ, लगता है तुम मुझे भूल गई हो। गुरु को भूल जाना पाप है। हमारे बीच जो करीबी रिश्ता था वो शायद ही जिंदगी में कभी कोई लड़की भूल सकती है। नैन्सी, तुम याद करो। मैं यही हूँ तुम्हारे इसी शहर में, मिलोगी नहीं? बोलो नैन्सी। नमस्कार। ड्रग्स हमारे देश के जवान युवक युवतियों पे हावी होता जा रहा है। इतना अधिक की आम जनता जितना समझती है उससे कहीं ज्यादा ही। बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई के प्रोफेशनल कॉलेज में आपके हमारे बच्चे वहां पर क्या गुल खिलाते हैं आपको अंदाजा भी नहीं। यहां देखिए, यह है बेंगलोर के कॉलेज की तस्वीर से एक ड्रग ज्वाइंट है। यह ड्रग के गुलाम होते बच्चे सबसे ज्यादा अपने प्रांत के ही हैं। इसमें हमारे और आपके भी बच्चे हो सकते हैं। नैन्सी, क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? नैन्सी, क्या कर रही हो? आप लोग बैठ जाइए, कोई बात नहीं। नो, नैन्सी, ये सब पहले ही बता दिया होता तो मैं कुछ करता। वो इतना बड़ा कमीना है, उसे कब का मार चुका होता। आई एम शेम। ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी आप उसे सम्मान सलामी देंगे, फाइनल सल्यूट। कलेक्टर को जनता में साफ छवि है। अगर हमने सच बोला तो वो बेबुनियाद लगाया इल्जाम होगा। हम लोगों पर कोई जरा सा भी यकीन नहीं करेगा। वो हमें भी ड्रग सप्लायर बना के फंसा देंगे और लोग आसानी से विश्वास करेंगे। नैन्सी ने जो हमला किया वो सबने देखा, कानून भी काम नहीं आएगा।
उनसे बदला लेना है तो उनके जैसा ही बनना पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं है नैंसी, वो आपस में लड़के मर जाएंगे या हम उन्हें मार देंगे। ज्यादा मत सोचिए, ये काला साम्राज्य खत्म करना ही होगा। कलेक्टर की तुम्हारी जो क्लीन इमेज है, तुम्हारी सिफारिश जब मैंने की तो मुख्यमंत्री समेत सभी फौरन मान गए। अब तुम्हारे कंट्रोल में जो मनी कंटेनर होगा उसे गोल्ड माफिया उड़ा ले जाएगा। शंकरनाथ और राव दोनों के चंगुल से धैर्य और साहस का परिचय देते हुए जान की परवाह किए बिना तुम छुड़ाकर गवर्नमेंट के हवाले कर दोगे। डैडी, गवर्नमेंट को दे देने से हमारा क्या फायदा? हम गवर्नमेंट को जो कंटेनर देंगे वो काउंटरफिट जाली नोट का होगा। हम उसमें से ओरिजिनल नोट निकालकर उसमें डुप्लीकेट नोट डाल देंगे और इस सारे पाप का भागी बेचारे गोल्ड माफिया को बनना पड़ेगा। देख रहे हो दोनों कैसे साजिश रच रहे मिलकर। आप लोग सोच क्या रहे हैं, भय लग रहा है क्या? हाँ, हमें अपनी सेफ्टी के लिए डर सा लग रहा है। हम धोखा नहीं देंगे। अगर प्लान गड़बड़ हो गया तो? गड़बड़ नहीं होगा, हम गड़बड़ी की कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। फिर भी मान लो अगर हो ही गया तो नुकसान तो सबसे ज्यादा मेरा ही होगा ना। फायदा भी तो सबसे ज्यादा तुम्हें ही है। नहीं, इस बार सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। कंटेनर के माल का दो हिस्सा होगा, एक भाग मेरा एक तुम्हारा। पूरा माल कितना होगा? करोड़ों का माल है। उस कंटेनर में सारे हजार के नोट और 500-500 के नोट भरे हुए हैं। गाड़ी कब आएगी? यस, नेक्स्ट फ्राइडे। नेक्स्ट फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे। डीएसपी रतन मिल, दिल्ली पुलिस। कलेक्टर पीटर मैथ्यू, ऑफिसर इंचार्ज। सर, ऑफिशियल पेपर सर। थैंक यू सर। सो थैंक्स मिस्टर रतनवेल, सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके सर, हमारे लिए आपने समय निकाला। थैंक्स। ओके ओके सर। Thank you.
या अल्लाह परवरदिगार। कम ऑन गाइस, क्विक क्विक, जरा खोल के तो दिखाइए, पैसा देखे बिना चैन नहीं आ रहा है। इतनी जल्दी क्या है, ट्रैफिक रहता है, कोई देख लेगा तो वायरलेस बच जाएगा। ये सारे ब्लास्ट किसने किए सर? ब्लास्ट होते ही नजदीकी पुलिस स्टेशन पर मैसेज चला गया होगा। जस्ट ए बीप साउंड, अब तक पुलिस हेडक्वार्टर पर खबर हो गई होगी, सारी गाड़ियां निकल पड़ी होंगी। अब अगला कदम क्या है? गौर से सुनो, हमें रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते जाएंगे, जंगल के रास्ते मैं निकलता हूँ। कोई प्रॉब्लम होगी आई विल इन्फॉर्म यू। आगे जाकर माइलस्टोन पर रुक जाऊंगा, वहाँ से घने जंगलों में घुस जाएंगे। ओके बाय। ओके 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 ओके। या अल्लाह, बी क्विक, विद इन 15 मिनट मनी कंटेनर आ रहा है। वी आर रेडी। कंटेनर के यहाँ आते ही 20 मिनट में ये ट्रांसफर हो जाएगा। उधर का माल इधर और इधर का माल उधर, सब ठीक तो है ना? डोंट वरी, सब इस प्लान के मुताबिक ही है। दामोदर बाबू, एक आइडिया है। वो क्या? ये गाड़ी लेकर वहीं चलना है क्या? नहीं तो कहाँ जाएंगे? पूरा माल अपने कब्जे में है, मंत्री और कलेक्टर को चूना लगाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मंत्री और कलेक्टर को छोड़ ये राज कोई नहीं जानता, इसमें फंसेगा केवल बेचारा कलेक्टर ही। अगर उसने पुलिस को बता दिया कि मनी कंटेनर हम ले गए हैं तो? बता देगा तो भी सबूत क्या? उसके पास गाड़ी हम ले गए हैं, गाड़ी तो हम घने जंगलों में ले जाएंगे, वहां सारा माल उतार करके गाड़ी को आग के हवाले कर देंगे। एक बात बता शंकर, जंगल में जाते ही तेरे दिमाग में अगर मुझे धोखा देने का आइडिया आ गया तो? राव ऐसा नहीं। या फिर तुझे धोखा देने का आइडिया मेरे पास आ गया तो? रिस्क नहीं चाहिए यार, करोड़ों रुपए हैं तीन हिस्से करने पर भी हमें कुछ कम नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल कम नहीं मिलने वाला। हाँ, तेरा आइडिया मुझे अच्छा नहीं लगा, गाड़ी आराम से चलने दे। हाँ शंकर, ये छत पर कूदने वाले तेरे नए आदमी हैं? बात मत करो। कौन है ऊपर? क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? Hey!
कोर्स दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं? चाहे ज्यादा लोगों ने कारण उन सबको भेज दिया होगा। अरे
ये दोनों कौन है? अब्राहम लिंकन। ये कौन है? कुछ गड़बड़ है, जाके देखता हूँ। पैसों का क्या किया जाएगा? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। नैन्सी का इलाज कराना है। इधर उधर भटक लिया, अब लैब में सेटल भी होना चाहिए। चलो अब थोड़ा रिलैक्स कर लिया जाएगा। चलो अब चलते हैं सर। ये क्या है? ये देखिए, शंकरनाथ के यहाँ से लेके आया था, वही है डिमांड जस्टिफिकेशन। चंदन की तरह ये अंग महका, घनघोर घटा बल खाए पवन, सोने की तरह जो बदन चमका, सुबह की किरण यूं फूट पड़ी जैसे अंग में शोला दहका। कमल सोला श्रृंगार से तन चमका, सूरज की चमक से तन उजला कुछ ऐसे दमका। चंचल चितवन मदमस्त यवन, चंदन की तरह ये अंग महका, लहराती कमर हर एक एक अंग सोने से सजा, मन में कुछ ऐसी प्यास जगी, आंखों का सितारा झूम।